मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम मल्टी यूटिलिटी पाउच स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मल्टी यूटिलिटी पाउच स्टिच किया है। इसको हम यहाँ से जिप से ओपन कर लेंगे और अंदर की साइड में देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 पॉकेट्स दिए हैं जिप से। इसको हम ओपन करेंगे सारी पॉकेट्स को और ये खुल के कुछ ऐसा आएगा। ये देखिए, अंदर की साइड में हमने काफी स्पेस दिया है सारी पॉकेट्स में। अपने सामान को अलग अलग पॉकेट्स में सेट करते हुए आप इसमें रख सकती हैं। अपने सामान को आप सेट करते हुए सारी पॉकेट्स को ऐसे यहाँ से लॉक कर दीजिए। हम इसको लॉक कर देंगे और इस पाउच को हम इस जिप से यहाँ से ऐसे लॉक कर देंगे। ये पाउच काफ़ी यूज़फुल है फ्रेंड्स और बहुत ही इजी है इस पाउच को स्टिच करना। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा मल्टी यूटिलिटी पाउच पसंद आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, आज हम ये मल्टी यूटिलिटी पाउच स्टिच करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वर्क। मल्टी यूटिलिटी पाउच बनाने के लिए हमने 10x15 का एक क्विल्टेड पीस लिया है। देखिए फ्रेंड्स, 10x15 का हमें एक क्विल्टेड पीस लेना है और ये हमने 3x5 का 2 क्विल्टेड पीस लिया है। देखिए, 3x5 का हमें 2 क्विल्टेड पीस लेना है और ये हमने 8.5x11 के 4 प्लेन पीस लिए हैं। देखिए, 8.5x11 के हमें 4 प्लेन पीस लेने हैं। 1.5 इंच की ये हमने पाइपिंग ली है। 8.5 इंच की हमने 4 जिप ली है। देखिए, 8.5 इंच की हमें 4 जिप लेनी है और 4 रनर लेने हैं जिप में डालने के लिए। देखिए, 4 हमें रनर लेने हैं और ये हमने 12 इंच की एक जिप ली है और एक रनर लिया है जिप में डालने के लिए। सबसे पहले हम 8.5x11 का ये 4 प्लेन पीस लेंगे और 4 जिप लेंगे और इसमें से एक जिप को लेंगे और एक प्लेन पीस को लेंगे। और ये प्लेन पीस का सीधा साइड है और जिप का देखें ये सीधा साइड है, तो उल्टी जिप हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और सीधे स्टिच करके इसमें अटैच करेंगे। इसके बाद ऐसे करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। तो हम देखिए सीधा साइड दोनों अंदर की साइड में करते हुए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच करके इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। जिप को हमने स्टिच करके इसमें हमने दाब सिलाई दे दी है। अब हम जिप को दूसरी साइड में ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सीधे स्टिच करके इसमें हम जिप को अटैच कर देंगे प्लेन पीस में। देखिए, दूसरी साइड में भी हमने जिप को स्टिच करके प्लेन पीस में अटैच कर दिया है। अब हम जिप को ओपन कर लेंगे। देखिए, ऐसे ओपन कर लेंगे और इस साइड ऐसे करते हुए इस साइड हम दाब सिलाई देते हुए सीधे स्टिच कर लेंगे। इस साइड भी हमने स्टिच करके दाब सिलाई दे दी है। अब देखिए फ्रेंड, जैसे हमने इस प्लेन पीस में जिप को स्टिच करके अटैच किया है, ऐसे ही हमें सारे प्लेन पीस में जिप को अटैच करना है। तो हम पहले एक प्लेन पीस लेंगे और एक जिप लेंगे और इसमें हम देखिए ऐसे रखेंगे और एक साइड से स्टिच करेंगे, दाब सिलाई देंगे, फिर दूसरी साइड में भी स्टिच करके हम दाब सिलाई देते हुए ऐसे ही सारे पार्ट्स स्टिच करके रेडी कर लेंगे। सारे प्लेन पीस में हमने जिप को स्टिच करके अटैच कर दिया है। अब देखिए, इसमें से हम 2 पार्ट्स को लेंगे और जिप का ये प्लेन पीस का सीधा साइड है और ये प्लेन पीस का सीधा साइड है और इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे। दोनों सीधा साइड अंदर की साइड में ऐसे हम इसको प्लेन पीस को सेट करेंगे और यहाँ पर 1 इंच पे हम अंदर की साइड में ऐसे मार्क कर लेंगे। इस साइड से मार्क करेंगे और ऐसे ही इस साइड से भी 1 इंच पे अंदर की साइड में ये हमने दोनों साइड से देखिए मार्क कर लिया है। अब देखिए, दोनों प्लेन पीस को सेट करेंगे। ऐसे सेट करते हुए जहाँ पर हमने ये मार्क किया है यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे और यहाँ तक स्टिच करके दोनों प्लेन पीस को हम स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। मार्क वाली लाइन से देखिए स्टिच करके हमने यहाँ पर दोनों पार्ट्स को अटैच कर दिया है। अब इसको हम देखिए ऐसे ओपन कर लेंगे। ये हमने ओपन कर लिया, ये जिप का सीधा साइड है। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे और इसको भी ऐसे ही सेट करना है। देखिए, दोनों सीधा साइड अंदर की साइड में होगा, दोनों पार्ट्स को ऐसे सेट करेंगे और इसमें भी दोनों साइड से 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब देखिए, इसमें भी हम देखिए मार्क वाली लाइन तक स्टिच करके दोनों पार्ट्स को स्टिच करके अटैच कर देंगे। इस साइड भी हमने देखिए दोनों पार्ट्स को मार्क वाली लाइन तक स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है जिप में। देखिए, ये तीनों पार्ट्स इसमें अटैच हो गए हैं। अब हम ये चौथा पार्ट लेंगे और इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे। दोनों पार्ट्स को सीधा साइड अंदर की साइड में करते हुए ऐसे सेट करेंगे और इसमें भी 1 इंच पे दोनों साइड से हम मार्क कर लेंगे।
अब इसको भी फ्रेंड्स देखिए हम मार्क वाली लेंथ तक स्टिच करके दोनों पार्ट्स को इसमें अटैच कर देंगे। इस साइड भी हमने स्टिच करके दोनों पार्ट्स को अटैच कर दिया है। मार्क वाली लाइन तक हमें स्टिच करना है और इसमें अटैच करना है। अब हम सारे पार्ट्स को देखिए ऐसे सेट करेंगे, इन दोनों जिप को ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर रनर डालेंगे और ऐसे ही सारी जिप में हम ऐसे करते हुए रनर डाल लेंगे। तो हम देखिए ये रनर लेंगे और सारी जिप में हम रनर डाल लेंगे। इस साइड हमने जिप में रनर डाल लिया है। अब देखिए रनर को ऐसे जिप से हम निकाल लेंगे और दूसरी बार फिर से हम रनर डाल लेंगे जैसे ये जिप हमारी इस साइड से लॉक हो जाए। इस साइड जिप में हमने देखिए रनर डाल लिया है। जैसे हमने इस जिप को लॉक करते हुए रनर डाला है वैसे ही हम सारी जिप को देखिए पहले रनर डालेंगे और एक साइड से निकाल लेंगे, फिर दूसरी बार रनर डाल के दोनों साइड से जिप को हम लॉक कर देंगे। तो हम ये दूसरा रनर लेंगे और जिप में हम रनर डाल लेंगे। सारी जिप में हमने रनर डाल लिया है। फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जिप का डायरेक्शन है वो सारी जिप का एक ही साइड में होना चाहिए। अब देखिए ये जो सारी पॉकेट हमारी स्टिच हो गई हैं इसमें से एक पार्ट्स में हम ऐसे अपना हाथ लेते हुए ये सारे प्लेन पीस को अंदर की साइड में कर लेंगे और इस प्लेन पीस को पलट लेंगे। कैसे देखिए सारे प्लेन पीस जो है वो अंदर की साइड में रहेंगे और ये वाला पार्ट देखिए ऐसे हमने पलट लिया है। अब देखिए जिप को हम देखिए बराबर में सेट करेंगे और ये जो प्लेन पीस का सारा पार्ट है ये हमें सारी पॉकेट्स को अंदर की साइड में करना है और इस पॉकेट को देखिए ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर सीधे स्टिच करके अटैच कर देंगे और ऐसे ही सारे प्लेन पीस को अंदर की साइड में करते हुए इस दोनों पार्ट्स को ऐसे सेट करते हुए इस साइड भी स्टिच करके हम पॉकेट को लॉक कर देंगे। दोनों साइड से सीधे स्टिच करते हुए देखिए हमने पॉकेट को लॉक कर दिया है। फ्रेंड्स जो अंदर वाला जो पार्ट्स है वो हमें देखिए स्टिच नहीं करना है, उसको ध्यान रखना है कि स्टिच करते समय वो हमारा स्टिच लाइन पे ना आए, उसको अंदर की साइड में करते हुए हमें स्टिच करके दोनों साइड से लॉक करना है। तो अब हम जिप को ओपन करेंगे और इसको पलट के सीधी साइड कर लेंगे। प्लेन पीस को पलट के हमने देखिए फ्रेंड सीधी साइड कर लिया है। अब ये पॉकेट हमारी इस साइड से स्टिच हो गई है, इसको हम लॉक कर देंगे। ऐसे ही हमें सारी पॉकेट्स को लॉक करना है। तो हम देखिए कोई भी एक ऐसे पार्ट को लेंगे और ऐसे करते हुए सारे पार्ट्स को अंदर की साइड में कर लेंगे, ऐसे करते हुए अंदर की साइड में कर लेंगे। इस पार्ट को भी देखिए हमने प्लेन पीस को पलट लिया है। अब सारे पार्ट्स हमारे अंदर की साइड में हो गए हैं। देखिए सारे पार्ट्स अंदर की साइड में हैं। इसको अंदर की साइड में ऐसे करते हुए इस पार्ट को भी हम यहाँ पर इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से स्टिच करके पॉकेट को हम लॉक कर देंगे। ध्यान देना है कि ये वाला जो पार्ट है ये स्टिच नहीं होना चाहिए, इसको हम अंदर की साइड में करते हुए स्टिच करेंगे और दोनों साइड से हम इसको लॉक कर देंगे प्लेन पीस को। इस पॉकेट को भी देखिए हमने दोनों साइड से स्टिच करके लॉक कर दिया है। अब हम रनर को ओपन करेंगे और इसको पलट के सीधी साइड कर लेंगे। इस प्लेन पीस को भी पलट के हमने सीधी साइड कर लिया है। अब हम जिप को ऐसे लॉक कर देंगे। दो पॉकेट्स देखिए हमारी यहाँ से लॉक हो गई हैं। ऐसे ही ये दोनों पॉकेट्स भी हम यहाँ से स्टिच करके लॉक करेंगे। तो इसको भी देखिए ऐसे करते हुए सारे पार्ट्स को अंदर की साइड में पलट लेंगे। अब देखिए इसको हमने अंदर की साइड में कर लिए हैं सारी पॉकेट्स को। अब इसको भी ऐसे सेट करते हुए सारे पार्ट्स को अंदर की साइड में करते हुए दोनों साइड से सीधे स्टिच करके प्लेन पीस को लॉक कर देंगे। इस पॉकेट को भी हमने दोनों साइड से स्टिच करके लॉक कर दिया है। फ्रेंड्स स्टिच करते समय ध्यान रखिएगा कि अंदर का जो पार्ट है जो पॉकेट्स का पार्ट है वो स्टिच लाइन में हमारा नहीं आना चाहिए, वो स्टिच नहीं होना चाहिए। अब हम जिप को ओपन करेंगे और इसको पलट के सीधी साइड कर लेंगे। इस पॉकेट को भी पलट के हमने सीधी साइड कर लिया है। अब इस जिप को भी हम यहाँ से ऐसे लॉक कर देंगे। अब ऐसे ही ये आखिरी जो हमारी लास्ट पॉकेट है इसको भी ऐसे हम पलट लेंगे और इसको भी दोनों साइड से स्टिच करके यहाँ से लॉक कर देंगे। इस पॉकेट को भी देखिए फ्रेंड्स हमने पलट लिया है और सारी पॉकेट्स को अंदर की साइड में करते हुए इसको भी हम दोनों साइड से स्टिच करके लॉक कर देंगे। इस पॉकेट को भी हमने दोनों साइड से स्टिच करके लॉक कर दिया है। अब इसको भी हम ओपन करेंगे और इसको पलट के सीधी साइड कर लेंगे।
अब देखिए फ्रेंड्स, सारी पॉकेट्स हमारी स्टिच हो गई हैं। अब इसको भी हम जिप से यहाँ से लॉक कर देंगे इस पॉकेट को। ये हमारी सारे पार्ट्स रेडी हो गए हैं। अब हमें 10x15 का ये क्विल्टेड पीस लेना है और इसकी अंदर की साइड में हम यहाँ पर इस साइड से, ये 10 का साइड है, ये 15 का साइड है, तो 10 की साइड में 1.5 इंच पे नीचे डाउन करेंगे और इसको पहले फोल्ड करके इसमें हम सेंटर का मार्क लगा लेंगे। देखिए ये सेंटर का मार्क है और ये हमने 1.5 इंच पे डाउन किया है और यहाँ पर देखिए ऐसे करते हुए हम यहाँ पर सीधे मार्क कर लेंगे 1.5 इंच पे हमने सीधे मार्क कर लिया है। अब हम ये पॉकेट वाला पार्ट लेंगे। ये जो पहली पॉकेट है, पहली पॉकेट को हम देखिए ऐसे ओपन करेंगे। जिप वाली जो स्टिच लाइन है दोनों को देखिए ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाना है और यहाँ पर इस वाली पॉकेट में इस साइड सेंटर का मार्क लगाना है चौक से। ये हमने इसमें सेंटर का मार्क लगा लिया है। अब जो हमने ये सेंटर का मार्क लगाया है और ये सेंटर का मार्क है पॉकेट में, दोनों को देखिए ऐसे मिलाएंगे और ये मार्क वाली लाइन पे जिप को सेट करेंगे। जिप बराबर में सेट करते हुए यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। देखिए पिन से हमने पॉकेट को सेट कर दिया है। अब देखिए जिप के ऊपर इस साइड से हम स्टिच करते हुए सीधे स्टिच कर लेंगे और इस पॉकेट को हम इस क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच करके देखिए इस पॉकेट को हमने क्विल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। फिर जो हमने मार्क लगाया था 1.5 इंच है, उसी मार्क वाली लाइन पे हमें जिप को ऐसे रखते हुए स्टिच करके अटैच करना है। तो अब ये पॉकेट हमारी क्विल्टेड पीस में अटैच हो गई है। ऐसे ही हम इसकी ये वाली लास्ट वाली पॉकेट को ओपन करेंगे और इसमें भी हम पहले दोनों जिप की स्टिच लाइन को ऐसे मिलाएंगे और इसमें भी सेंटर का मार्क लगा लेंगे। से हम चौक से मार्क लगा लेंगे। ये देखिए पॉकेट में हमने सेंटर का मार्क लगा लिया है और क्विल्टेड पीस को भी हम फोल्ड करेंगे दूसरी साइड में और इसमें भी सेंटर का मार्क लगा लेंगे। ये हमने सेंटर का मार्क लगाया और इसको भी हम देखिए 1.5 इंच पे नीचे डाउन करेंगे और सीधे मार्क कर लेंगे। इस साइड देखिए 1.5 इंच पे हमने डाउन करके सीधे मार्क कर लिया है। अब हम ये लास्ट वाली ये वाली पॉकेट लेंगे, इसमें हमने सेंटर का मार्क लगा लिया है। दोनों सेंटर के मार्क को देखिए ऐसे मिलाएंगे, ऐसे हम मिला लेंगे और जिप को हमें ये जो मार्क किया है 1.5 इंच पे यहाँ पर ऐसे रखना है। सेंटर के मार्क से मिलाते हुए ऐसे सेट करते हुए इसमें भी हम पहले पिन लगाएंगे। ये हमने पिन लगा ली। अब इसको भी देखिए मार्क वाली लाइन पे ऐसे रखते हुए सीधे स्टिच करके जिप को हम क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। इस जिप को भी हमने देखिए सीधे स्टिच करके अटैच कर दिया है। मार्क वाली लाइन पे हमें जिप को रखना है और सीधे स्टिच करके अटैच करना है। अब इसको भी हम यहाँ से लॉक कर देंगे। सारी पॉकेट्स इसमें स्टिच हो गई हैं। अब हमें देखिए इसको ऐसे क्विल्टेड पीस को ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर सेंटर का मार्क लगाना है। देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए कट लगा लेंगे। ऐसे ही इस साइड से भी हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और इस साइड से भी हम यहाँ पर कट लगा के सेंटर का मार्क कर लेंगे। दोनों साइड से हमने कट लगा के सेंटर का मार्क कर लिया है। अब हमें 3x5 का ये क्विल्टेड पीस लेना है और ये 1.5 इंच की पाइपिंग लेनी है। पाइपिंग को हम देखिए बैक साइड में यहाँ पर रखेंगे और सीधे स्टिच करके अटैच करेंगे। इसके बाद फोल्ड करते हुए स्टिच करके यहाँ पर अटैच करेंगे और ऐसे ही इस क्विल्टेड पीस में भी 3 की साइड में हम पाइपिंग को स्टिच करके अटैच कर देंगे। दोनों क्विल्टेड पीस में हमने देखिए पाइपिंग को स्टिच करके अटैच कर दिया है। अब हम देखिए यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमने मार्क किया, ये सेंटर का मार्क है। ऐसे ही इसमें भी हम 1.5 इंच पे मार्क कर देंगे। दोनों हमने क्विल्टेड पीस में सेंटर का मार्क लगा लिया है। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे और यहाँ पर हमने देखिए कट लगा के सेंटर का मार्क किया था और इसको हमें देखिए ऐसे रखना है। सीधा साइड हमारा बाहर की साइड में होगा और सेंटर के मार्क से मिलाते हुए यहाँ पर सेट करेंगे और पिन लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, इसको हम पहले सीधे स्टिच करके अटैच करेंगे। इसके बाद ऐसे यहाँ पर पलट के इस साइड से स्टिच करके लॉक कर देंगे और ऐसे ही दूसरी साइड से भी ऐसे स्टिच करके हम इसको लॉक कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरा क्विल्टेड पीस दूसरी साइड में स्टिच करके अटैच कर देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, सीधे स्टिच करके हमने क्विल्टेड पीस को अटैच कर दिया है। अब हम फुट को उठा लेंगे और इस क्विल्टेड पीस को ऊपर की साइड में कर लेंगे और इस साइड हम स्टिच करके इस क्विल्टेड पीस को अटैच कर देंगे। दोनों साइड से स्टिच करते हुए दोनों क्विल्टेड पीस को देखिए हमने दोनों साइड से स्टिच करके अटैच कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, जिप का जो डायरेक्शन है, जो रनर है, वो हमारा देखिए इस साइड होगा सारे जिप का, और इस साइड हम पहले पाइपिंग को स्टिच करके यहाँ पर स्टिच लाइन को कवर करेंगे। तो हम ये पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग को हम देखिए अंदर की साइड से यहाँ पर ऐसे रखेंगे और ऐसे पूरा हम शेप में स्टिच करके स्टिच लाइन को पाइपिंग से पहले कवर कर देंगे। इस साइड देखिए फ्रेंड्स, इस क्विल्टेड पीस की जो स्टिच लाइन थी इसको हमने पाइपिंग से कवर कर दिया है। अब हमें ये 12 इंच की जिप लेनी है और इसको देखिए यहाँ से रखना है। जिस साइड हमने देखिए पाइपिंग स्टिच नहीं की है उस साइड से हमें जिप को ऐसे रखना है। सीधी जिप हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे, देखिए जिप का ये सीधा साइड है तो हमें सीधी जिप इस क्विल्टेड पीस में इस साइड से ऐसे रखना है और सीधे स्टिच करके इसमें हमें इसको अटैच करना है। सीधे स्टिच करके हमने जिप को देखिए इस साइड अटैच कर दिया क्विल्टेड पीस में। अब हम जिप को ऐसे ओपन कर लेंगे। जिप को हमने ओपन किया और ये जिप का जो दूसरा पार्ट है दूसरी साइड में यहाँ पर ऐसे सेट करना है और क्विल्टेड पीस में हम सीधे स्टिच करके इसमें हम इसको अटैच कर देंगे जिप को। जिप का जो दूसरा पार्ट था उसको भी हमने देखिए दूसरी साइड में स्टिच करके अटैच कर दिया है। अब हमें ये पाइपिंग लेनी है और दूसरी साइड में जो स्टिच लाइन है स्कुल्टेड पीस की, यहाँ पर देखिए स्टिच करके पाइपिंग को हम स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर देंगे। इस साइड भी हमने पाइपिंग से देखिए स्टिच लाइन को कवर कर दिया है। अब हमें ये जो जिप हमने अटैच की है इस साइड वाली जो स्टिच लाइन है यहाँ पर हमें पाइपिंग से इसको कवर करना है। तो हम ये पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग को हम इस साइड से यहाँ पर ऐसे रखेंगे और ऐसे सीधे स्टिच करके इसमें हम पाइपिंग को अटैच कर देंगे जिप में। इस साइड देखिए फ्रेंड्स, हमने सीधे स्टिच करके जिप में हमने पाइपिंग को स्टिच करके अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ से पाइपिंग में ऐसे हम सेट करते हुए 8 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमने 8 इंच पे देखिए मार्क कर लिया है। अब इस मार्क वाली लाइन पे ऐसे हम मार्क वाली लाइन को सेट करते हुए इस साइड पाइपिंग को लाएंगे और यहाँ पर पाइपिंग को सेट करते हुए सीधे स्टिच करके इस साइड भी हम जिप में पाइपिंग को स्टिच करके अटैच कर देंगे। दूसरी साइड में भी हमने देखिए सीधे स्टिच करके पाइपिंग को जिप में अटैच कर दिया है। अब हम पाइपिंग को ऊपर की साइड में ऐसे करेंगे और यहाँ पर देखिए पाइपिंग को फोल्ड करना है। ऐसे हम डबल फोल्ड करते हुए जिप में ऐसे स्टिच करके पूरा हम स्टिच करके इसमें अटैच करेंगे और इस साइड हम देखिए ऐसे जब फोल्ड करेंगे तो दूसरी साइड भी एक बार फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए पूरा हम जो हमने ये पाइपिंग छोड़ी है पाइपिंग को भी ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिच करके इस साइड से लॉक करते हुए यहाँ पर भी हम पाइपिंग को फोल्ड करके स्टिच करके अटैच कर देंगे। तो हम पाइपिंग को डबल फोल्ड करते हुए जिप में ऐसे रखेंगे और पूरा स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे पाइपिंग को। पाइपिंग को फोल्ड करते हुए हमने देखिए यहाँ पर स्टिच करके अटैच कर दिया है और इस साइड भी देखिए फोल्ड करते हुए स्टिच करके हमने पाइपिंग को लॉक कर दिया है। अब हमें जिप में रनर डालना है तो ये हम रनर लेंगे और इस जिप में हम रनर डाल देंगे। ये देखिए जिप में हमने रनर डाल लिया है और जिप हमारी देखिए इस साइड से यहाँ से ऐसे लॉक हो गई है। अब जो ये जिप वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर फैब्रिक को स्टिच करके इस साइड से लॉक करेंगे। तो हमने 3.5x4 का ये प्लेन पीस लिया है और प्लेन पीस को ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए ये 3.5 का साइड है और ये 4 का साइड है तो हम 3.5 की साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सीधे स्टिच करके इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे प्लेन पीस को। सीधे स्टिच करके हमने प्लेन पीस को एक साइड से लॉक कर दिया है। अब इस प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे जिप में एक साइड से देखिए डालेंगे और दूसरी साइड से जिप को हम बाहर की साइड में निकाल लेंगे। दूसरी साइड में हमने देखिए जिप को बाहर की साइड में निकाल लिया है। अब ये देखिए ये जो स्टिच लाइन है प्लेन पीस की इसको हमें सेंटर में रखना है। देखिए ऐसे सेट करना है, पहले स्टिच लाइन को सेंटर में सेट करते हुए हम यहाँ पर सीधे स्टिच करके प्लेन पीस को जिप में अटैच कर देंगे।
सीधे स्टिच करके हमने प्लेन पीस को जिप में अटैच कर दिया है। अब जो ये प्लेन पीस का पार्ट है इसको हम ऐसे ओपन कर लेंगे। ऐसे हमने देखिए ओपन किया, ये जो स्टिच लाइन है ये हमारी सेंटर में रहेगी। अब देखिए प्लेन पीस को हम यहाँ पर ऐसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर ऐसे रखेंगे और स्क्वायर शेप में स्टिच करके प्लेन पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे और जिप को हम इस साइड से भी स्टिच करके लॉक कर देंगे। स्क्वायर शेप में स्टिच करते हुए प्लेन पीस को देखिए फ्रेंड्स हमने लॉक कर दिया है और जिप को जब हम ओपन करेंगे तो ये जिप हमारी साइड से लॉक हो गई है। और अब देखिए ये हमारा पाउच बनके रेडी है। देखिए अंदर की साइड में 4 पॉकेट्स हमारी आ गई हैं। इसको हम ओपन करेंगे, सारी पॉकेट्स को जब हम ओपन करेंगे अपना कोई भी सामान सारी पॉकेट्स में सेट करते हुए जिप से ऐसे यहाँ से लॉक कर दीजिए। ये हम लॉक कर देंगे यहाँ से और इस जिप को हम यहाँ से साइड से ऐसे लॉक करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा मल्टी यूटिलिटी बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।